नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय कैथल की नई अनाज मंडी में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर है जो किसान यूनियन संगठन के लोग लेकर आए हैं, और हम इस समय कैथल नई अनाज मंडी में मौजूद हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड में जो है धान आई हुई है। अनाज मंडी की बात करें तो अनाज मंडी में हर तरफ आपको धान के ढेर दिखाई दे रहे होंगे। वहीं उधर बात करें तो मौसम की नज़ाकत को देखते हुए अपने धान की ढेरी को ढकना शुरू कर दिया है किसानों ने, क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है। किसानों की बात करें तो किसानों का पीला सोना पककर तैयार हो चुका है, और उसी पीले सोने को बेचने के लिए किसान मंडी में पहुंचा है। मंडी का में क्या आलम है आप देख पा रहे होंगे, हर तरफ जो है धान के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें ये जो धान है वो बिक नहीं रही है, क्योंकि सरकारी खरीद पहले 25 तारीख से शुरू होनी थी, फिर 1 से शुरू होनी थी, और अब 11 तारीख सरकार ने कहा है कि 11 तारीख से धान की खरीद शुरू होगी। इसी बात को लेकर के आप देख पा रहे होंगे कैथल की नई अनाज मंडी की ये तस्वीरें हैं, जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। कैथल की नई अनाज मंडी में तो मौसम बदला है, और किसानों के चेहरे पर जो है चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये जो किसानों का पीला सोना है ये पककर तैयार हो चुका है, मंडी में पहुंच चुका है, लेकिन सरकार खरीद में देरी करे, मौसम जो है ये अपना जो एक रुद्र रूप दिखा रहा है, किसानों को डराने का काम कर। जी क्या नाम है आपका? स्वरूप सिंह जी। जी, जो सरकार धान खरीद में देरी कर रही है, किसान का पीला सोना अभी जो इतनी मेहनत से पककर तैयार हुआ, वहीं ऊपर से जो मौसम है वो कहीं ना कहीं किसान को डराने का काम कर रहा है, क्या कहेंगे सरकार और मौसम के बारे में? मौसम तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन सरकार तो हमारी चुनी हुई है, हमने चुनी, हमने सोचा भाई हमारा कुछ पैसा जो पीला सोना वो काला काला पत्थर ना बन जाए। लेकिन सरकार खट्टे रात को 11-1 तारीख को गेरी मंगा ली, ये पड़ी है। अब कह दिया 11 बजे ये मिलरों को छूट दे दी उन्हें, रात को मिल लिए। अच्छा, जब भी तो सवेरे ये फरमान आया क्या उन्हें पहले नहीं पता था? जब एसी में बैठ के काम कर रहे हैं तो ये पता नहीं है भाई मौसम ख़राब भी हो सकता है, जी का टाइम आ गया, ये उन्हें पहले ही सोचना था। अच्छा, फिर क्यों देरी मंगाई उन्हें? अब ये पड़े ढेर लगे, कोया लेने वाला नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे, उधर दिखाएं तो आपको दिखा सकते हैं कि मौसम बदला तो किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। जो उनकी धान की फसल मंडी में पहुंची है उसको ढकने का जो है अभी तैयारी शुरू कर दी है। अभी जो है आप कैमरे के सामने देख पा रहे होंगे इसको, धान को जो है ढका जा रहा है, क्योंकि जो किसानों की मेहनत है, 1 साल की मेहनत जो है मंडी में पहुँची, तो अब मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है तो चिंता भी बढ़नी जायज़ है। लेकिन वहीं बात करें तो 11 तारीख जो है किसानों की धान खरीद की सरकार ने दी है, उस खरीद को देखते हुए खरीद में देरी हो रही है, तो किसान संगठन कैथल में दूसरे दिन भी मार्केट कमेटी के कार्यालय पर ताला जड़कर धरने पर बैठ चुके हैं। और तमाम तस्वीरें हम आपको, ये लाइव तस्वीरें कैथल की नई अनाज मंडी की दिखा रहे हैं, जहां पर जो है तमाम किसान यहां बैठा है, अपनी फसल लेकर आया है, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि कब धान की खरीद होगी, कब उनका जो है पीले सोने की कीमत उन्हें मिलेगी। लेकिन वहीं आप मार्केट कमेटी कार्यालय की बात करें तो कैमरे के सामने तमाम तस्वीरें हम अभी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर धान खरीद की। तो अगर बात करें तो सामने हम मार्केट कमेटी कार्यालय में जा रहे हैं, और हम आपको दिखा देते हैं कि किसानों का जो धरना है वो लगातार दूसरे दिन भी जारी है, और तमाम जो है लोग, किसान संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ धरने पर पहुँच महिलाएं भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मंच पर जो किसान नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और लगातार दूसरे दिन जो है किसानों का ये धरना, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कैथल के मार्केट कमेटी कार्यालय से। आप लोगों को, आप लोग शांति जरूर बनाए रखें, और संतावान है, हमने कुर्बानी देनी है, वो मौके के ऊपर देनी है। और मौका क्या होगा साथियों, यहाँ पुलिस आ जाती है और जबरन ताला खुलवाती है, साथियों अगुवा कुर्बानी देंगे, आप लोग पीछे होंगे, ये हमारा मौका। हम विधायक की कोठी लेकर जाते हैं। तो जिस तरह से हम तमाम तस्वीरें कैथल से दिखा रहे हैं, लगातार दूसरे दिन अपना धरना स्थल पर किसान यूनियन के लोग जो है मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला लगा दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष होशियार गिल जी। आज दूसरे दिन भी आप लोगों ने ताला जड़ दिया है, तो किस तरह की रूपरेखा आपके इस आंदोलन की रहेगी? देखिए, ताला तो जब तक रहेगा जब तक बोल ली नहीं,
जब तक बोले नहीं जब तक ताला नहीं खुलेगा। अच्छा जी, लेकिन अगर आप लोग ताला जड़ देंगे, इस तरह काम प्रभावित करेंगे, तो आपके जो साथी हैं उनकी फसल कैसे बिकेगी? अभी हम 2 मिनट पहले बाहर थे मंडी में, जो किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, मौसम खराब है, जीरी को ढक रहे हैं, अगर इस तरह व्यवधान पड़ेगा तो किस तरह फसल बिकेगी? उनको बोल दिया भाई, जो तुम्हारा अगर कोई रजिस्टर वगैरह है नहीं, बाहर कर लो। अच्छा जी, जो किसानों की डेयरी आती है 15 हनों वगैरह, अपना रजिस्टर लेकर अपना बाहर कर लो। यानी कि सीधे तौर पर जो फसल आ चुकी है उसको बिकवाना ही आपकी प्राथमिकता है? बिकवाने के लिए आए यार, रखवाने के लिए नहीं आए। अच्छा, बहुत से साथी कहते मंडी बंद करवा दो, उनके रुकवा दो, हम बिकवाने के लिए आए हैं, रखवाने के लिए नहीं आए। अच्छा, सबकी बिकवाएंगे, 1500 है किसी की, हम बिकवाने के लिए आए हैं, रखवाने के लिए नहीं आए। तो सीधे तौर पर हम दर्शकों को कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जो लोग किसान और किसानी को चाहते हैं वो इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन दूसरी देखने वाली बात यह है, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम किसान की फसल बिकवाने के लिए आए हैं, तो और आगे की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चा का क्या आह्वान है? संयुक्त मोर्चा का आह्वान है भाई, अब जितने भी MLA MP हैं उनके घेराव करना आज। अच्छा। और संख्या भारी संख्या में किसान के मेरा मात्र शक्ति आने लग रही है। अच्छा। उसके बाद जो भी होगा आपसे बता देंगे, इकट्ठा होकर फिर जाएंगे। ठीक है जी, क्या नाम आपका? तो हम दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जी, क्या नाम आपका? जी, इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, आज यहाँ कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया, मार्केट कमेटी का कार्यालय पर, किस तरह की रूपरेखा रहेगी आपके इस धरने की? देखो, रूपरेखा तो सरकार के गल रहेगी, सरकार जी धीरे बेचेगी बिकवावेगी, और नहीं जे हम तो इनके गला डंडम डंडा होवांगे भाई, न्यू कोनी बैठ दे ठाली, इनके गला डंडम डंडा होना पड़ेगा। और उरा जीरी बिकवाण आ रहे हैं, मार्केट कमेटी का ताड़ा दिखावा है, इसमें जीरी बिकवाण के लिए कह रहे हैं, जोशी भी जीरी हो बे बिकवाओ हमारी है, 1509 आ रही है, दूसरी है, जितने भी देवे लोगों ने ये गेट पास है सब कुछ दो, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रखी किसी चीज में, हमने बैठे हैं इसके प्रांगण में बैठे हैं। अच्छा, ये सब बकवास कर रहे हैं, अगर इन्हें ताला ला दिया, बंद करवा दिया, कुछ नहीं करवाया बंद, सारा काम चालू है और चालू रखेंगे, हम बकवाने के लिए आए हैं। ये सरकार या मंडियों से भागना चाहती है, ये मोदी ने जो कराया है ऊपर से किसान मारने का काम कर रहा है, उन्होंने तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो डंडा दे रहे हैं, कहाँ पर बैठा है किसान, गोले चालू हैं, इन्होंने आगे दे दिल्ली में बंद कराया, वो तो खोल नहीं रहे, किसानों को कहे भाई घोड़े में बैठे हैं, ये तो बर्मा में बैठे हैं, कोई घोड़ा नहीं रोकया, जाके देखो दो दो तीन तीन और वो बैठे हैं, वो लिखने भी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के पीछे लग रही है, ये सरकार की है सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट हमारी नहीं, सरकार जो कुछ कहेगी कभी फैसला लेगी सरकार के हक में लेगी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। चाहे हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने इनका जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने आदेश दिया भाई ये गोले ये उठवाऊंगा मैं, भाई उठवाने वाला हो गया तो इनकी समाधान क्यों नहीं करवाता किसानों का, भाई 10 महीने से किसान बैठे हैं, इनका समाधान करवा दो, ये क्यों नहीं कहती सुप्रीम कोर्ट 10 महीने से चक्कर दे रही है, ये गलत गाइड कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन है, और सरकार के ये सरकार किसके अधीन है, अडानी और अंबानी के। ठीक है जी। हाँ। तो तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है वो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, और हम बातचीत कर लेते हैं। जी सर, पिछले जो है काफ़ी समय से आप लोग रिलायंस पेट्रोल पंप पर धरना दे रहे हैं, और आज यहाँ मार्केट कार्यालय पर जो है धरना दिया जा रहा है, तो क्या चेतावनी सरकार को दी जा रही है? हाँ, हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये धरना का स्वरूप बदल के हम यहाँ आए हैं, इसका मुख्य कारण है, आज से पहले 40 साल हो गए कभी भी 11 तारीख की खरीद शुरू नहीं हुई थी, ये सरकार जानबूझ के एक की बजाय 11 तारीख करिए, इतना वो फसल जालेगी, जालन का मतलब वो फसल लूट लेगी, इसलिए हमारा पुरजोर है, जोर जोर नहीं है, इतना उरा था उठते नहीं है इनके सामने था कि जब तक ये खरीद शुरू नहीं होती। आज हमारा जो उद्देश्य है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुख्य रूप से जो सत्ता के जो लोग हैं उनका हमने विरोध करना है, MLA है या मंत्री है, या एक MLA है एक मंत्री है, कमलेश टांडा मंत्री है, MLA लीलाराम है, हम उनका घेराव करेंगे और जब तक ये समस्या हल नहीं उठी हम वहीं रहेंगे। सरकार के इस फैसले को किस तरह देखते हैं सर? किसान का पीला सोना पककर तैयार हो गया, ऊपर से मौसम खराब है और फसल खरीद में देरी, किस तरह देखते हैं सरकार के फरमान को? सरकार का जो फरमान है ये किसान को मारने के लिए फरमान है, और जो लोग दुहाई देते हैं मंडी है मंडी रहेगी मंडी है,
कुछ नहीं है, मंडी बंद करने की कागार पर जिस प्रकार से डेट बढ़ाई जा रही है, उसी प्रकार से जो कहता है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी तो ये एमएसपी होती तो ये किसान आज यहाँ नहीं होते। सारा रोड़ा मंडी बंद करने का और एमएसपी ना देने का है, इसीलिए किसान यहाँ पर एकत्रित हुए। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि किसान की फसल ना बिके, बिकवाने के लिए सारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए। ठीक है जी, तो और तमाम जो लोग मौजूद हैं, एक महिला हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लड़की जी, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा आजाद जी। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मांग मुद्दे हैं? हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ आने का, वो धान की फसल की जो खरीद है उसके लिए यहाँ पर आया है। इन्होंने अब ये बोला है कि 11 अक्टूबर को हम ये फसल खरीदेंगे। आप देख ही सकते हैं बारिश का मौसम चल रहा है तो लगातार नमी बढ़ेगी, उसके बाद ये लेने से मना कर देते हैं। और जो इनका कानून है ना, मतलब जो इनके तीन कानून जो इन्होंने बनाए हैं काले कानून, उनके अनुसार ही जो खेती है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी भी किसान जो उनकी बनाई हुई काली नीतियां हैं उनके मतलब हिसाब से कभी भी नहीं चलेगा। और हमारी यही मांग है, अगर ये नहीं मानते हमारी मांगों को तो हम इसी तरह से अनशन पर डटे रहेंगे। जिस तरीके से हमारी पहले जीत हुई है, पहले आंदोलनों में जीत हुई है, करनाल हम जीत करके आए हैं, उसी तरह से हम इस चीज़ को जीतेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो हम पक्का डेरा लगाने को भी तैयार हैं। तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर नहीं मानी जाएगी बात ये तो पक्का डेरा लगा देंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये जो धरना है, ये धान खरीद व्यवस्था में देरी हुई है इसीलिए धरना चल रहा है। और अब हम जहां मौजूद हैं, कैथल की नई अनाज मंडी है, बारिश शुरू हो चुकी है और उस बारिश में किसान चिंता में है कि उसका पीला सोना अगर पानी में बह जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या। यही बात सरकार को समझाने के लिए ये लोग यहाँ जुटे हैं। क्या नाम है ताऊ जी? बरसात शुरू होगी, लोगों की जीरी पड़ी है, किस तरह बनेगी बात? यह किस तरह बनेगी, किसान मारा जाएगा, सरकार को कोई आँख मीच रही है, कोई नहीं सू दे रही। अगर इतने नहीं है 11 तारीख पे ले गए भैया, परेशान हो गए, जीरी को दे देंगे 1500-1600, किसान तो बर्बाद हो दिया। फिर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे 11 तारीख हो चाहे कहे हो, हम पूरा रेट पे देंगे। ठीक है, तो हम और लोगों से बातचीत कर ले। प्रधान जी, बारिश शुरू हो गई है और किसान जो बैठे हैं, ये टेंट लगा के बैठ गए हैं, बारिश बीच में से आएगी तो कितने दिन धरना चला पाएंगे, मौसम खराब है? देखो, किसान को तो धरना नहीं चलाएगा, गरीब बेचारे को कुछ नहीं है, उसको तो गरीबी खाने को आता है, खेत में तो धान बेचारे ने उठा ली, आगे खरीददार नहीं है, उसका तो सर्व सत्यानाश है। और ये सरकार षड्यंत्र के तहत उसका सर्व सत्यानाश कर रही है। सरकार सोच रही है कि कारपोरेट कराने सस्ते भाव में उनकी फसल लूट लें, उसके बाद हम दिखावे के लिए 2-4 दिन इनकी खरीद करवा देंगे। इसलिए हम तो बैठे हैं यहीं और इससे भी आगे चलेंगे। हम यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो ये मत सोचें कि किसान मंडी में बैठे हैं, मार्केटिंग कमेटी में बैठे हैं। हम आपके घरों को घेरेंगे, हम मर गए लेकिन बचेगा कोई नहीं। इसके अंदर आज चाहे कर्मचारी है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, छोटा व्यापारी है, आज सारे का सारा, क्योंकि किसानी से बंधा हुआ है, वो फसल के साथ जुड़ा हुआ है, आज पूरे का पूरा ये दिख रहा है उसको कि सरकार हमें बर्बाद कर रही है, मंडियां बंद कर रही है, फसलों को खरीद नहीं रही। ये सारा षड्यंत्र बीजेपी सरकार का किसान को बर्बाद करने के लिए। अब ये लड़ाई इन्होंने खरीद बंद करके जो ये आंदोलन की लड़ाई थी आग में घी का काम करेगी, और ये लड़ाई अब और आगे बहुत तेज होगी और इस बीजेपी सरकार का सर्व सत्यानाश करेगी। जी जी, हमारी लड़ाई आगे बढ़ती है। तो जिस तरह से आपका सीधे तौर पर कहने का मकसद ये है कि सरकार जानबूझकर किसानों को तंग कर रही है और बाद में एक मरहम लगा करके पल्ला झाड़ने का काम करेगी। बिल्कुल प्रधान, मैं सीधा नाम लेता हूँ, यहाँ के झूठे विश्वासघाती सबसे घटिया आज तक के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कारपोरेट घरानों के साथ मिलके, अडानी और अंबानी के साथ मिलके आज जब फसल आई है वह किसान को लूट रहा है। खरीद बंद करके जो कहता था एमएसपी की गारंटी मिलेगी, अरे तुमने तो खरीद 25 सितंबर से शुरू का ऐलान किया, 1 अक्टूबर से ऐलान का शुरू किया, आपने अब 11 अक्टूबर का ऐलान कर दिया, आपकी यही एमएसपी गारंटी है, यही थी एमएसपी, है एमएसपी, रहेगी एमएसपी, आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि आप
किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो सीधे तौर पर इनका ये साफ रूप से कहना है कि जिस तरह से कहा जाता है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है, यही आभास हो रहा था इनकी इस बातचीत से। इनका सीधे तौर पर कहना है कि पहले सरकार जो है किसानों को तंग कर रही है और जानबूझ कर किसानों को तंग किया जा रहा है। धरने से आप ये लाइव तस्वीरें कैथल ब्रेकिंग टीवी के लाइव कैमरे से आप देख पा रहे हैं और तमाम जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैथल के नई अनाज मंडी से लाइव। कैथल ब्रेकिंग टीवी की विशेष रिपोर्ट है। मौसम खराब हो चुका है, किसान का पीला सोना मंडी में, वहीं इसी पीले सोने को बिकवाने के लिए ये धरना शुरू किया गया है। एक बार तो बस और है मुक्त कुत्ता दा किसान नी मतलब कुत्ता डागा। हां मैं सारा मान रही हूं। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल के मार्केट कमेटी कार्यालय से। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं किसानों का ये धरना कैथल मार्केट कमेटी कार्यालय से लाइव तस्वीरें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे धरना दूसरे दिन भी लगातार जा रही है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज घेराव की भी योजना बनाई जा रही है। लेकिन आपको दिखा देते हैं मार्केट कमेटी कार्यालय का जो मुख्य द्वार है उसको ताला लगा दिया है। कल भी ताला लगा दिया गया था और आज भी ताला लगा दिया गया है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी की लाइव के माध्यम से और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ चल रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो कैथल में किसान यूनियन की गतिविधियां हैं और आप देख पा रहे होंगे जो है तमाम लोग यहां जुटने शुरू हो गए हैं और अभी और लोग भी आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बाहर के हालात अभी आपको दिखा देते हैं कि कैथल नई अनाज मंडी के किस तरह के हालात हैं, क्योंकि मौसम ने करवट ली है, बरसात आनी शुरू हो गई है और आप देख पा रहे होंगे कैथल की नई अनाज मंडी के जो अभी मौजूदा हालात हैं वो आप देख पा रहे होंगे। कैथल में जो है किसान का जो पीला सोना किसान लेकर आया था उसको ढक दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंता है कि उसकी एक साल की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं पानी में ना बह जाए। इसी बात को लेकर के जो है आप देख पा रहे होंगे हर तरफ जो है किसान को उसकी धान की चिंता है, क्योंकि धान की खरीद 11 तारीख से शुरू जो हो रही है वो लेट जो है प्रोसेस सरकार के द्वारा किया गया। इसी बात को लेकर जो है किसान आज धरने पर मौजूद हैं। तो जिस तरह से तमाम तस्वीरें हमने आपको कैथल की नई अनाज मंडी की दिखाई हैं, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो धान की जो है ढेरियों का अंबार लग गया है, क्योंकि धान खरीद में जो देरी हुई है उसी बात को लेकर के किसानों में भी रोष है, किसानों का गुस्सा है और ऊपर से ये जो मौसम करवट ले रहा है किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। धान की फसल खरीद में जो देरी हुई इसी बात को लेकर किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में धरना शुरू किया है और अब ताला लगा दिया है। दूसरे दो दिनों से लगातार उनका धरना जारी है। तमाम बातें, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जानकारियां देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम दे रहे हैं धान के सीजन पर ये स्पेशल अपडेट, जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको तमाम तस्वीरें कैथल नई अनाज मंडी की कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की खरीद है और उससे कितना संतुष्ट किसान है। जी क्या नाम है? मियां। कौन से गाँव से आ रहे हो? देखो कौन सी जीरी ला रहे हो? बिकगी ना? क्या तने बिकी? मने के बगैर पड़ी है। अच्छा पड़ी है अभी लगे। कितने दिन हो गए आ रहे हो? तीन दिन हो गए। अच्छा चलो, तो इनका सीधे तौर पर कहना है मियां सिंह जखोली से आए हैं, तीसरा दिन हो गया इनको,
इनकी जो धान की फसल है वो अभी तक बिकी नहीं है। वहीं अगर बात करें मौजूदा सियासत में जो सरकार में गठबंधन की सरकार है, उनके जो प्रमुख नेता दुष्यंत चौटाला कई बार कहते नज़र आते हैं कि धान की फसल हो या उनकी जो भी फसल हो, मंडी में आते ही तुरंत प्रभाव से खरीदी जाएगी। लेकिन जो खरीद व्यवस्था में देरी हुई है उसी में तो रोष है ये किसानों का, और इसी बात को लेकर आज हम कैथल की नई अनाज मंडी में पहुंचे थे जानने कि क्या कुछ व्यवस्था है सरकार की इस फसल की खरीद को लेकर। तो आप देख पा रहे होंगे वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव। तो हम आपको दिखा देते हैं कि जो मॉइस्चर है वो 17% तक तो चलता ही है, लेकिन उससे कम जो मॉइस्चर की ढेरी है वो भी अभी बिकी नहीं है। तो तमाम कारण जानेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है किसान और किसान हितैषी होने के, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है वो सच्चाई से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये जो किसान अपनी फसल लेकर आया है और इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम आपका? होशियार सिंह। कौन से गांव से आ रहे हैं? डोर से। डोर से हैं। हाँ जी। कौन सी फसल आई है? 26। 26 है। पीआर। पीआर 26 है। पीआर 26। अच्छा, बिकी नहीं के बात हो? नहीं, अभी गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही ना। कल मैंने मॉक्सर पास कराया था। फिर गिल्ली ले आ रहे होंगे हम। इसके 12 मॉक्सर आया जी, 17 पास था गवर्नमेंट को। 17 पास है। 17 पास है। फिर भी नहीं बिक्री। फिर खरीद नहीं करना रहे ना कोई। अच्छा। हाँ, 12 मॉक्सर है। तो कैसे देखते हैं इस मौजूदा सरकार की व्यवस्था को? सरकार तो कहती है हम किसान हितैषी हैं, और अभी तक जो लगातार जो देरी हो रही है, मौसम भी बदल रहा है, लगातार बारिश भी चल रही है, कैसे देखते हैं सरकार? ये जिम्मेदार की बड़मपना जी, क्योंकि 6 महीने से लगातार दिन रात दुख से होकर फसल पकाई, फिर बोल रहे थे भी 25 तारीख को खरीद है, उन्होंने 4 दिन जैसे कैसे और काटे। 1 तारीख में फसल तैयार थी, ऊपर बारिश का मौसम था, उन्होंने 1 तारीख को तो फसल कटानी ही कटानी थी। जब मॉक्सर पास है, डेरियां सूखी हैं, तो फिर गवर्नमेंट को खरीदनी तो चाहिए ना। अब 11 तारीख तक कहाँ फसल रखेंगे हम? कौन जिम्मेदार कैसे रखेगा जी? जैसे आज बारिश हुई है, सीकरी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो वो कैसे कटेगा? वो फसल तो नीचे बैठ जाएगी ना। जिम्मेदार तो मरने की कगार पे आ गया कि उधर से फसल बर्बाद हो रही है, इधर से कोई खरीद नहीं रहा, कहाँ जाएगा? ठीक। ये सरकार देश की मालिक होती है, उसको समझनी चाहिए कि मेरा जिम्मेदार दुखी है, पब्लिक आम दुखी है, या हम बनिया के साथ लड़ते हैं, बनिया कहता मैं क्या करूँ, कोई खरीद नहीं रहा। आम बात तो ये होगी आपस में ही बदनामी होगी हमारी, हम उसको बोलते हैं वो हमारे को बोलता है, अभी क्या करें यार, हम किसको दें? अच्छा, आड़ती भी मजबूर है। मजबूर है जी। अगर कोई लेने वाला होगा तभी तो बेचेगा, वो खुद तो खरीदता नहीं ना। ये 1800 ना मांगते हैं, बोलो 1850 के गाह आए थे, नीचे आए थे, 1850 दे दो। क्यों दे दें भाई? 6 महीने माने फसल पकाई है, मेहनत करी है, तो 1850 क्यों दे दे? कमी हो फिर बोलो। ठीक है। अगर मॉक्सर है जीरी में, मॉक्सर काट काट लो, हम ये भी नहीं कहते, अरे हर साल बिकती है, पर्चा गवर्नमेंट का बनता है, रेट कम होता है, लेकिन वो मॉक्सर की बजाय जिम्मेदार संतुष्ट है, लाला खुश है, उस हिसाब से बिकती है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसी जब मॉइस्चर पास है तो 1850 क्यों दे? जी जी। तो सीधे तौर पर यहाँ आरोप है कि जब मॉइस्चर भी बारा है और साफ सुथरी भी है, सारे मापदंड पूरी करती है ये धान की फसल जो इनका पीला सोना है, लेकिन फिर भी बिक क्यों नहीं रही है, ये सीधे आरोप सरकार पर लग रहे हैं। क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार करती है कि हम किसान हितैषी हैं और किसान को समझने वाले हैं, लेकिन किसान जो अब फसल लेकर मंडी में पहुंच चुका है वो पिछले करीब एक हफ्ते से कैथल की अनाज मंडी में किसान बैठे हैं, लेकिन बिक नहीं रही है। वहीं अगर बात करें जो है मंडी में मजदूरों की, मजदूर भी जो है बैठे हैं क्योंकि सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, तो किस तरह का कामकाज मजदूरों को मिलता होगा ये देखने वाली बात है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मंडी में हर जगह आपको जो धान के ढेर ही ढेर दिखाई देंगे। ये वजह दरअसल ये है, एक तो सरकार की जो खरीद व्यवस्था में देरी है उसी के कारण जो है अब मंडी में ये माहौल है। आज की बात करें तो मंडी जो है धान की फसल से फुल हो चुकी है। तो हम मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर किसान भी बैठे हैं, मंजे पर बैठ चुके हैं, क्योंकि
लगता है कि इतने दिनों से तो बिक नहीं रही, आगे और भी लंबा खींच सकता है क्योंकि 11 तारीख सरकार ने कह दिया। जी क्या नाम है आपका? जिले सिंह है जी। कौन सा गांव से हो? थाना गांव। कौन सी जीरी लेकर आ रहे हो? पीआर। बिकी नहीं? नहीं जी। क्या बात है? लिंदे नहीं है कोई। अच्छा, रेट लाओ 1600-1700 और कोई आधा कोई नहीं, अंदर ले नहीं रहे, अंदर खरीद नहीं रहे हैं। अच्छा, सरकारी बोली शुरू होगी? सरकारी बोली कड़ा है, उसके बारे में पहले तो 25-4 की बताई थी। अच्छा, 9 महीने की 25 की, फिर 1 की कह दी, फिर 11 की कह दी। जीरी कुछ खरीद नहीं रहे, पड़े हैं उरा, कोई खेत में पड़ी है, कटी कुछ उरा पड़ी है। कै दिन हो गए? मैं आता जीरी तो कटी थी 28 तारीख ना, 29 तारीख ना उरा आ गई थी मंडी में। अच्छा, हाँ, तो जो देरी खरीद में करण लग रही है सरकार, वो इतने देर होगी और लोग जो से आवे रेट थोड़े देवे, इसमें किस तरह देखो सरकार की नीयत ने? खराब नीयत है जी। अच्छा, अगर जो पैसा ये मारी फसल है, आप दुकान पर सौदा लेने जावा, घर अंतर का दुकान पर जाएंगे, दुकान पर सौदा हुआ रेट बताओ, मैंने 20 रेट का ले ले, और हम अपनी फसल न ठाका और मंडी में इनका दुकान पर लेवा, और वो रेट भी ये बतावा उसका, माना रेट भी नहीं, मतलब रेट पर रेट भी ये बतावा भी यू रेट है। पर कब रुपये जीरी हुई थी 1600 तो ऊपर नहीं बिकी है, और रेट था 1888 का, मेरी 1888 जीरी नहीं बिकी है, लेकर उसना जो मैंने बेची थी ना, उन्ना 1888 का रेट ले लिया, मेरे तो 1600 का रेट दिया गया। अच्छा, मेरे तो 1600 का रेट दिया, जिन्हें जीरी करा खरीदी थी उसने गवर्नमेंट में 1888 का ले लिया। सपेरे तो किसान की उम्र है, मैं पूछा ना, बस वो बच रहे परमात्मा लोग, पता नहीं किसने बचा रखे हैं। अच्छा, अगर 6 महीने हो गए उन्हें इस पर गोडे रगड़ देना, दवाई स्प्रे फलानी चीज ये बुरा लिया है, अरे इनका 12 गेट दी लिया का खरीदार नहीं पूछते नहीं है। आज 4-5 दिन हो गए मैं उरी पड़े हूँ, नहाण का नहीं, धोन का नहीं, रोटी का नहीं, पानी का नहीं, ना घर का प्योरा भी कौन करेगा, बीमार आया राजी है बीमार है, पूछो नहीं रहा किसी से। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल की नई अनाज मंडी से, ग्राउंड रिपोर्ट, आखिर क्या स्थिति है कैथल की नई अनाज मंडी में सरकार द्वारा निर्धारित की गई खरीद व्यवस्था की। तो ये हालात बता रहे थे जो ये किसान है, 29 तारीख से यहाँ पहुँचे थे अपनी धान की फसल बेचने को लेकर, लेकिन बिकी नहीं है, 29 तारीख से यहीं बैठे हैं, लेकिन धान खरीद की जो सरकारी व्यवस्था थी उसमें देरी के कारण भी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम मजदूर आप देख पा रहे होंगे इसी इंतज़ार में हैं कि कब सरकारी खरीद शुरू होगी और इनको भी जो है कामकाज मिलेगा। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल की नई अनाज मंडी से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम दिखा रहे हैं आपको कि धरातल पर क्या है सच्चाई सरकार के दावों की, क्योंकि सरकार बड़े बड़े प्रचार के माध्यम से अपने आप को किसान हितैषी कहती है कि और कहती है कि हम किसानों के लिए ऐसी नीतियां शुरू कर रहे हैं जिससे किसान की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन किसान यहां धरातल की बात करें तो धरातल पर अपनी फसल का ही जो है दाम मांग रहा है, लेकिन वो भी उनको मिल नहीं पा रहा है। तो इसी बात को जानने हम यहाँ पहुँचे हैं और आप देख पा रहे होंगे तो तमाम व्यवस्था है, किस तरह का जो हाल है मंडी में, मंडी आज की बात करें तो मंडी फुल हो चुकी है, और अगर इस तरह 8 से 10 दिन का और समय अभी बकाया जो बताया जा रहा है कि अभी फसल बिकने की जो तारीख है वो 11 तारीख बताई गई है, अगर इसी तरह देरी होती रही तो ये किसान का पीला सोना बर्बाद होने की कगार पर चला जाएगा।